दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के एक छोटे से देश, वो देश जहां इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त है, हर सुविधा ऑनलाइन है। यहां पर यहां के नागरिक टैक्स रिटर्न भरने से लेकर कार पार्किंग की पेमेंट करने से लेकर डॉग बोर्डिंग का शुल्क देने तक सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि ये देश ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी अपने नागरिकों को बिल्कुल फ्री देता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में एक ऐसा गांव है जो यहां की महिलाओं के लिए जाना जाता है। इस गांव में क्या है वो खास बात जिसके लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हम आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में। ये देश बहुत खूबसूरत है, ये अपने रीति रिवाजों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी खास बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। हम जा रहे हैं एस्टोनिया। जी हाँ, एस्टोनिया देश की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों यूरोप के उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसा है एस्टोनिया। ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में ये रूस से अलग हुआ। इसके बाद से यहाँ की गिरी हुई इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले एस्टोनियन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू कर दी, यानी यहाँ हर एक नागरिक को समान टैक्स भरना होता है। समान टैक्स, नो कम नो ज्यादा। जी हाँ, सब एक समान। नागरिकों को इंटरनेट से जोड़कर इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए यहाँ प्लान्स बनाए गए और इस देश को पूरी तरह से डिजिटल देश घोषित कर दिया गया, और ये वाकई डिजिटल देश है भी। यूरोपियन यूनियन के उन देशों में ये गिना जाता है जहाँ आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दोस्तों यहाँ साल 2000 में ही सभी स्कूल कॉलेजेस में इंटरनेट फ्री कर दिए गए थे। इस देश में दोस्तों 3000 से ज्यादा फ्री वाईफाई स्पॉट्स हैं। यहाँ पर कॉफी शॉप्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, सभी सरकारी दफ्तरों में आपको सारा काम ऑनलाइन मिलेगा। इवन यहाँ चुनाव भी ऑनलाइन ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे देश में हर तरफ वाईफाई होने के बावजूद भी यहाँ पर साइबर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप में ये बात चौंकाने वाली है। इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि एस्टोनिया सरकार समय समय पर नेट के सही इस्तेमाल पर कैंपेन चलाती रहती है। दोस्तों एस्टोनिया में सिर्फ इंटरनेट ही फ्री नहीं है बल्कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल फ्री है। दोस्तों पहली बार 2013 में ये फैसला लिया गया कि यहाँ के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री किया जाएगा, और इसके पीछे इनकी सोच ये थी कि रूस का हिस्सा रहने के दौरान आपस में काफी मनमुटाव हो चुका था। देश के लोगों को घुलने मिलने का ज्यादा समय ही नहीं मिला। फ्री परिवहन के लिए पहले यहाँ जनमत संग्रह हुआ और भारी संख्या में इसे समर्थन मिला, और इसी के साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। दोस्तों एस्टोनिया में एक बहुत ही खास बात है, वो ये है यहाँ की एयर में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। शुद्ध हवा की जब बात आती है तो एस्टोनेशिया का नाम सबसे ऊपर आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पिछले साल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एस्टोनेशिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है। सबसे खराब एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसमें भारत के साथ युगांडा, मंगोलिया, कतर और कैमरून का नाम शामिल है। यानी हम इंडियंस को थोड़ा तो एफर्ट्स करना चाहिए अपने घर को, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। आई होप अब आप करेंगे। दोस्तों एस्टोनिया एकमात्र बाल्टिक देश है जिसकी जड़ें गहरी और व्यापक द्वीप संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हालांकि अधिकांश यहाँ द्वीप निर्जन है जहाँ कोई नहीं रहता, एस्टोनियाई द्वीप ग्रामीण है। यानी उनका जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, रहने का तरीका है, वो ग्रामीण परिवेश जैसा है। कुछ स्थानीय वाइकिंग और मध्ययुगीन विरासत के निशान भी यहाँ मिलेंगे आपको। एस्टोनिया के द्वीपों पर एस्टोनियाई स्वीडन वासी रहते थे, जिनमें से कई ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस क्षेत्र को छोड़ दिया और अपने पीछे अपनी संस्कृति को छोड़ के चले गए, जो आज भी यहाँ दिखती हैं। यहाँ की सिंगिंग, यहाँ का डांस, यहाँ का फूड, यहाँ का कॉस्ट्यूम, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। चाहे आप किसी भी द्वीप पर हो, आप निश्चित रूप से बहुत सारे सी फूड को एंजॉय कर सकते हैं। महिलाओं की काबिलियत पर अगर आप सवाल उठाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको गलत साबित करेगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्टोनियाई द्वीप में एक अनोखा गांव है जहाँ 90% से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। इस द्वीप की खासियत ये है कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं ही रहती हैं। वे पूरे द्वीप की जिम्मेदारी संभालती हैं। एस्टोनियाई का किहिनू आइलैंड
महिलाओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द्वीप का नाम यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। इस द्वीप पर करीब 300 लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, और ये महिलाएं अपना हर फर्ज निभाती हैं, पुरुष से भी आगे बढ़कर। दोस्तों, एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या दिन ब दिन घट रही है। 2000 की आबादी पर केवल 21 लोग ही रहते हैं। एस्टोनियाई कैफे कल्चर के मामले में दुनिया का सबसे आगे निकलने वाला देश है। आपको यहाँ की सड़कों पर लगभग हर ओर कैफेज मिल जाएंगे, और आपको पता है यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। घर जैसा माहौल ये कैफेज आपको देंगे। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की। जी हाँ, इस फिल्म में पति अपनी पत्नी को कंधे पे उठाकर भागता है। ये एक खेल है दोस्तों, जो एस्टोनिया में खेला जाता है। जी हाँ, इस खेल की शुरुआत यहीं से हुई थी, और इस मूवी ने इस थीम को यहीं से लिया था। दोस्तों, इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं तैलिन। तैलिन वो स्थान है जहाँ ज्यादातर एस्टोनिया आने वाले लोग जरूर आते हैं। राजधानी शहर है ये, और बहुत ही दिलचस्प। छोटा आकार है, लेकिन बहुत कुछ है। दोस्तों, यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है मध्ययुगीन हिस्सा, टावर्स और मेहराब के साथ एक सुरम्य स्थान आपका स्वागत करता है। आपको यहाँ पर मध्ययुगीन थीम पर आधारित कई रेस्टोरेंट्स और बार्स मिलेंगे, जो देखने लायक है। साथ ही कई सारे म्यूजियम्स भी हैं। केजीबी म्यूजियम जरूर जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, ये है पर्नू। पर्नू एस्टोनिया के छुपे हुए रत्नों में से एक है, एक मध्ययुगीन शहर जो बाल्टिक सागर पर स्थित है, और गर्मियों के दौरान एक बेहतरीन जगह भी। पर्नू के बारे में एक अनोखी बात ये है कि ये अपनी मिट्टी के स्नान घरों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बाथ हाउस बहुत लोकप्रिय है। यदि आप चाहें तो यहाँ के ट्रेडिशनल बाथ हाउस में आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ अनोखा करने की सोच रहे हैं तो मिट्टी से नहाइएगा जरूर। जी हाँ, ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जो दुनिया भर में यहाँ फेमस है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो मड बाथ जरूर लेते हैं। दोस्तों, ये है लाहेमार राष्ट्रीय उद्यान। प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 725 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एस्टोनिया में सबसे सुंदर स्थानों में से ये एक है। आप इसके विशाल विस्तार को देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल, झिलमिलाती दलदल, उबड़ खाबड़ समुद्र तट आपका इंतजार कर रहे हैं। बाल्टिक सागर की ये जगह कहानियां सुनाती है। दोस्तों, ये है सारेमा। एस्टोनिया के सबसे बड़े द्वीप सारेमा के तट पर आप जब कदम रखेंगे ना, तो इस जगह से आपको प्यार हो जाएगा। पवन चक्कियां, फूस की छत और खूबसूरत घर, पत्थर की दीवारों के साथ सारेमा एस्टोनिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। खासकर सदियों पुराने आकर्षण के केंद्र आपको यहाँ मिलेंगे, जो आपको यहीं रोक लेंगे। दोस्तों, ये है नरवा कैसल। नरवा नदी के तट पर रूसी सीमा की ओर देखते हुए नरवा कैसल है। ये किला अपने भव्य टावर्स और मोटी पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है। एस्टोनिया में घूमने के लिए ये परफेक्ट और खूबसूरत जगह है। दोस्तों, ये राष्ट्र के रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। महल ने अपने पूरे इतिहास में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और कई घेराबंदी भी देखी। आई होप दोस्तों, ये भी जगह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये था सफर एस्टोनिया का। आपको ये देश कैसा लगा? क्या आप इस देश के बारे में पहले कभी जानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।